हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइड रवा इडली सांभर और नारियल मूंगफली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले इडली का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ 3 कप सूजी ले रही हूँ, इसको रवा भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ 3 कप सूजी ले ली है। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, इसको सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ 1 कप ताज़ा दही ले रही हूँ, दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब दही को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, आप एक साथ पानी ऐड मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, नहीं तो एकदम से लिक्विड ही हो जाएगी सूजी। सूजी पानी सोखती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और सूजी को एक ही तरफ घुमा करके फेंट लेंगे। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। अब सांभर की तैयारी कर रही हूँ। इसमें 1 कटोरी मैंने तुअर की दाल ली है, इसको धो लिया है, धो करके कुकर में चढ़ा रही हूँ। अब इसमें मैंने यहाँ कद्दू लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके ऐड कर दिया कुकर में ही। और यहाँ मैं बरबटी ले रही हूँ, मेरे पास फरास बीन नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ बरबटी ले लिया। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। अब इसमें मैं पानी डाल करके कुकर को बंद करके चढ़ा दूँगी। गैस में मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब जो मैंने सूजी रखी थी उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर से बेकिंग सोडा के ऊपर से पानी ऐड करके सूजी को अच्छे से चला लेंगे, और एक ही साइड फेंटना है, तभी हमारी रवा इडली बहुत ही अच्छी और फूली फूली बनेगी। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, एक ही साइड फेंटना है। ये हमारी तैयार हो गई, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतनी होनी चाहिए। अब मैं इडली का जो सांचा होता है उसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया, ये थोड़ा सा पानी डाल करके नीचे तली में। अब इसमें मैं सांचे में ऑयल लगा रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इडली का जो बैटर तैयार किया था उसको डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि अभी इडली क्या होगी, फूलेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना है, स्पेस रखना है। तो सभी सांचों में मैंने इडली भर ली है। अब ये पानी उबलने लगा है, जब पानी उबलने लगेगा तभी आपको ये सभी सांचे इडली के अंदर रखने हैं। ये मैंने सब रख दिए, अब इसका ढक्कन लगा देंगे। तेज आंच में 15 से 20 मिनट के लिए इडली को रख देंगे। अब मैंने जैसे ही ढक्कन खोला, देखिए इडली हमारी कितनी अच्छी फूली है, ऊपर से क्रैक भी हो गई है। इडली को आप चेक कर सकते हैं, एक चाकू अंदर डालेंगे, बिल्कुल चाकू साफ निकला, मतलब कि इडली हमारी हो गई। अगर अब आपके पास सांचे वाला इडली नहीं है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा इडली का सांचा है तो उसमें, कुकर में मैंने थोड़ा नीचे पानी डाल दिया है और पूरा बैटर उसमें डाल करके अंदर रख दिया है। कुकर के ढक्कन में सीटी नहीं लगाना है। अब इसको भी बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए तेज आंच में छोड़ देंगे। अब हो गए हैं 15 मिनट। अब मैंने जैसे ही ढक्कन को खोला तो हमारी ये इडली भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको सावधानी से किसी कपड़े की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। सांभर के लिए एक चॉपर में मैं हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज को चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। ये देखिए ये चॉप हो गया है। अब मैं सांभर का कुकर खोल रही हूँ, ये देखिए हमारा सांभर भी रेडी हो गया है। आपको जैसा दाल रखना है, ज़्यादा घोलना है, कम घोलना है, लेकिन मुझे ऐसी पसंद है। अब मैं यहाँ
कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी और यहाँ मैं मीठी नीम डाल रही हूँ, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा राई ऐड कर रही हूँ, जब ये तड़क जाएगा तो इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ थोड़ी हल्दी ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने टमाटर चॉप कर लिया था, दो छोटे टमाटर हैं, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि सांभर में पहले नमक डाल चुकी हूँ, इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए। अब यहाँ आधा चम्मच हींग ऐड कर रही हूँ, हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सांभर का। अब यहाँ मैं मार्केट का ही सांभर मसाला डालूँगी दो चम्मच, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जब तेल छोड़ने लगे मसाला, तब इसमें हम सांभर ऐड कर देंगे। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने कुकर में ही थोड़ा पानी डाल करके कढ़ाई में डाल दिया। एक उबाल आने तक इसका वेट करेंगे, जैसे एक उबाल आया गैस को बंद कर देंगे। हमारा सांभर रेडी हो गया। अब जो इडली ठंडी हो गई है उनको मैं अनमोल्ड कर रही हूँ, सारी इडलियों को सांचे से निकाल लेंगे। अब इनको फ्राई करना है, उसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, मीठी नीम डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे। जब राई तड़क जाएगी तो ये मैंने हरी मिर्च बीच से काट लिए उसको डाल दिया, इसको चला लेंगे और फिर जो इडली हमारी तैयार हुई है उस इडली को डाल देंगे और इसको भी ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये पूरी राई और जो हरी मिर्च डाली है सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे, फिर इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारी इडली फ्राई हो गई है। अब मैं यहाँ नारियल मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के पॉट में डाल देंगे, थोड़े से लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, फिर इसको मिक्सी में चला लेंगे। अब इसको खोल के देखा तो थोड़ा सा भी उसमें नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल करके फिर से चला लेंगे, जिससे नारियल अच्छे से पिस जाए, उसके टुकड़े ना रह जाएं। अब मैंने मूंगफली को भून लिया था, मूंगफली का छिलका उतार दिया है, अब उसको भी मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे, फिर चला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर चला लेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। और नमक ऐड कर दिया मैंने, ये हमारी चटनी भी रेडी हो गई। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको फ्राई करने के लिए एक करछुल में थोड़ा सा तेल लेंगे, अब इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे, इसको थोड़ा चम्मच से पलट पलट कर लेंगे, जिससे सब तरह ये थोड़ा सा सिक जाए। अब इसमें राई डालेंगे और जैसे ही राई तड़क जाए गैस को बंद कर देंगे और इसको चटनी में मिक्स कर देंगे, करछुल से चला देंगे। ये हमारी चटनी भी रेडी हो गई। इस तरह हमारी इडली सांभर चटनी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए।